बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के हॉटस्पॉट एरिया मोहल्ला सराबगीवाड़ा का निरीक्षण करने के लिए खुद डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह सिकंदराबाद पहुंचे। इस दौरान न सिर्फ दोनों अधिकारियों द्वारा यहां का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, फेस कवर आदि भी वितरित किए गए। डीएम ने लाउड हेलर के माध्यम से लोगों से घरों में रहने की अपील की और लॉकडाउन के नियमों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया। अधिकारियों की ओर से कॉलोनी वासियों को सचेत किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर घर के बाहर घूमता पाया गया तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं अधिकारियों की ओर से ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों को हॉटस्पॉट एरिया में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता समेत स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि बुलंदशहर प्रशासन को गुरुवार को नोएडा में स्थित एक अस्पताल में भर्ती सराबगीवाड़ा निवासी एक परिवार के 5 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर मिली थी। जिसके बाद इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर इलाके को सील कर दिया गया। आज डीएम और एसएसपी ने खुद यहां पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। गौरतलब है कि बुलंदशहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 115 तक पहुंच गई है, जिनमें से 2 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में बुलंदशहर जनपद में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए, जिसमें 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। बात अगर देश की करें तो भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़कर 1,66,000 के पार पहुंच गया है। इनमें से 71,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,706 लोगों की मौत हो चुकी है। परेशानी का सबब यह है कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीमारी का अभी तक कोई पुख्ता इलाज भी नहीं मिल पाया है, जो सरकार के लिए गंभीर विषय है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।